नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश आपके संसद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के फ्लोर लीडर और लंबे समय से सांसद लगातार रहते आए रामगोपाल यादव जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए, इतना लंबा आपका पार्लियामेंट्री और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कैसे शुरुआत हुई राजनीतिक पारी की। देखिए, हमारे यहाँ हमारे गांव में ही 1954 का जो आंदोलन डॉक्टर लोहियान चलाया था, जब सरकार ने सिंचाई की दरें बढ़ाई थी उसके खिलाफ, तब नेताजी 14 साल के थे, वो जेल गए। फिर चूंकि अंडर एज थे तो उन्हें सर्टिफिकेट दे के बाहर कर दिया गया था। उसके बाद वो एक्टिव राजनीति में ही रहे। 67 में वो पहली बार MLA हुए थे। तब से हम चुनावी राजनीति से तो दूर रहे, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में, उनके चुनाव के लिए काम करने में, और फिर अगर थोड़ा सा दायरा बढ़ा तो पार्टी के लिए चुनाव करने में मैं काम करता रहा। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई चुनावी राजनीति में आऊँगा। मैं MSc करने के बाद इटावा का एक बड़ा कॉलेज है, KK कॉलेज, उसमें फिजिक्स का लेक्चरर हो गया था 69 में, और 67 में जब नेताजी चुनाव लड़ने जा रहे थे, मैंने 66 में BSc किया, तो उन्होंने कहा दाखिला मान लो, मैं चुनाव लड़ूंगा, 67 का चुनाव के बाद दाखिला लेना। तो MLA हो गए बाद, उसके बाद मैंने फिजिक्स में दाखिला लिया MSc की आगरा कॉलेज से 69 में, और 69 में ही मुझे KK कॉलेज इटावा में मेरा फिजिक्स में लेक्चरर के रूप में अपॉइंटमेंट हो गया। 74 में औसतब इस वक्त जो चुनाव चलते रहे, चाहे 67 के बाद 69 का हुआ हो, 71 का मध्यावधि चुनाव हुए हों लोकसभा के, या 74 के विधानसभा के चुनाव हुए हों, इन सब में मैं सक्रिय हिस्सेदारी करता था। पार्टी के बूथों की व्यवस्था को देखना, उस वक्त ये पर्चियां वगैरह मिलती नहीं थी, खुद उम्मीदवार को बनानी पड़ती थी, बड़ा संकट था, बड़ा काम था ये देना, गांव में उनको भिजवाना, हर वोटर के पास ये सारा काम होता था। 74 में फिर चूंकि इतना फिजिक्स टफ सब्जेक्ट होता है आप जानते, 74 में फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में चला गया। इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस से भी किया, पॉलिटिकल साइंस राजनीति में तो लगातार एक्टिव रहा, पार्टी के लिए काम करता रहा, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। हुआ ये कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में दो ब्लॉक थी, जसवंत नगर और बसरेहर। जसवंत नगर हम हमेशा जीतते थे और बसरेहर हार जाते थे। तो नेताजी ने लोगों से बात की होगी, मेरी जानकारी में नहीं आने जाया। 88 में जब चुनाव होने वाले थे, 14-15 साल बाद चुनाव हुए थे 77 के बाद, तो उन्होंने कहा कि हम हर बार एक हार जाते हैं एक जीतते हैं, कैसे जीते हैं? संभवतः लोगों ने बताया होगा कि उनको प्रोफ साहब को लड़ा दो, बोले वो तो लड़ना नहीं चाहेगा, बोले और कोई हरा नहीं सकता है यहाँ कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जो है सुखदा मिश्रा वहाँ से MLA हुआ करती थी, और 20 ग्राम पंचायतें बसरे ब्लॉक से लगी हुई इटावा विधानसभा क्षेत्र, उस वक्त ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रधान वोट देते थे, तो इस वजह से वो बैलेंस गड़बड़ा जाता था। तो जिस दिन 88 में प्रमुखी का चुनाव होने का अंत नॉमिनेशन का लास्ट डेट थी, उस दिन नेताजी आए, फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा मेरा घर था जी, मुझे बाहर बुलाया और अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखा उन्होंने, और कहा कि वो बसरेहर में आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, वहाँ नॉमिनेशन कर देना जाके, और चले गए कि ये मना न करने पाए। मेरी मजबूरी थी, मुझे नॉमिनेशन करना पड़ा। जब मैं उम्मीदवार बना तो बलराम सिंह मिनिस्टर थे, तो कोई कांग्रेस का उम्मीदवार हमारे खिलाफ पर्चा भरने को तैयार नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अब बलराम सिंह ने कहा कि भाई ये हमारा बदनामी होगी, ऊपर तक इंदिरा जी वगैरह पूछेंगे कि तुम मुलायम सिंह का भाई निर्विरोध कैसे चुन लिया गया। तो एक आदमी को उन्होंने तैयार किया, जब वोट पड़ा तो हमें 107 वोट मिला और उनके उम्मीदवार को 6 वोट मिला। Okay. और मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया जी। ये हमारी पहली चुनावी प्रक्रिया थी जो मैंने उसमें हिस्सा लिया।
क्योंकि उसमें किसी भी व्यक्ति में, स्पेशली जो 6 वोट हमारे खिलाफ गए वो यादव ही गए, नॉन यादव मेरे खिलाफ न तब था न आज है कोई भी इटाव, क्योंकि उनको न्याय मुझसे ही मिला हमेशा जी। तो इसके बाद 5-6 महीने बाद जिला पंचायत के चुनाव हुए तो मैं जिला परिषद, तब जिला परिषद हुआ करती जी, जिला परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया। कांग्रेस ने एक उम्मीदवार खड़े किए थे, मध्य प्रदेश से उनके एक मिनिस्टर ऑब्जर्वर होकर आए थे जी। शीला जी वोटर थी क्योंकि कन्नौज का एक क्षेत्र विधुना जो है जी। वो इटावा जिले में था जी। तो वो वोटर थी लेकिन वो आई नहीं थी वोट डालने, लेकिन कांग्रेस वहाँ भी सरकार में थी यहाँ भी सरकार में जी। तो इन्होंने खैर मैं भारी 2/3 बहुमत से उसमें भी जीत गया जी। उसके बाद 92 में मुझे राज्यसभा में नेताजी ने भेज दिया जी। राज्यसभा में हमारे भेजे जाने के मैं भी बड़ा तिकड़े में हुई, हमें भेज दिया जब उम्मीदवार बना दिया, हमारे 33 MLA थे जी। क्योंकि वो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जब बने थे उसके बाद जो चुनाव हुआ तो उसमें ये बाबरी वहाँ पर बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए नेताजी ने संविधान और जो उन्होंने शपथ ली थी या जो स्टे था सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुकूल काम करते हुए गोली चली थी, कुछ लोग मारे गए थे जी। हालांकि बाबरी मस्जिद बचा ली गई थी। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें पार्टी हमारी हार गई थी, नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, हम 33 MLA जीते थे केवल। चंद्रशेखर जी हमारी उम्मीदवारी से प्रसन्न नहीं थे, वो किसी और को चाहते थे। तो उनके 4 MLA थे वो हमें वोट नहीं करने वाले, तो जीतने के लिए 36 वोट चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस राज्यसभा में उत्तर प्रदेश। तो उस वक्त ऐसा हुआ जी। कि तमाम लोग वोट तो देने को तैयार थे, दिए भी हमें, लेकिन काशीराम जी का टेलीफोन नेताजी के पास आया जी। कि मुलायम सिंह, वैसे तो हम कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करते, हमारे 13 MLA हैं, मुझे पता चला है कि आपके भाई को लोग मिलकर हराना चाहते हैं, तो मैं पहली बार अपने MLAs को निर्देश दे रहा हूँ कि वो रामगोपाल को वोट करें, आप दयाराम पाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पार्क रोड में रहते हैं उनसे मिल लेना। तो मैं नेताजी के आदमी सब ने दिया, मुझे 48 वोट मिला फर्स्ट प्रेफरेंस, जो हमसे पहले हमारे बाद केवल राजीव शुक्ला को मिले, उससे पहले किसी को नहीं मिला जीते, और हमारे सेकंड प्रेफरेंस से बड़े बड़े धुरंधर लोग जीते जी, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, बीपी सिंह के तीनों उम्मीदवार, सोमपाल थे, सब हमारे सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट राउंड में कोई उनमें नहीं जीता था। तो ये रहा, फिर तो मैं राजनीति में आ ही गया, संसद में आ गया जी। और संसद में शुरू में मैं अकेला था राज्यसभा में जी। 4 लोग लोकसभा में थे और राज्यसभा में अकेला था। तो जो अकेला आदमी होता है उसको टाइम तो कम मिलता है लेकिन हर इशू पे बोलने का मौका मिलता है जी। हर इशू पे तो अनुभव भी हो गया। मैं पहले दिन मैंने एक मामला उठाया, किसानों से संबंधित था, खेती संबंधित था, कुछ लोग फर्जी फैसले करा के नकली SDM की 10 मोहर लगा के बना के, जब SDM ट्रांसफ़र हो जाता था तो फिर नए SDM के सामने आते थे कि जब म्यूटेशन करवा दीजिए साहब, ये फैसला हमारे पक्ष में बहुत हुआ, बहुत लोगों की ज़मीनें चली गई, वो मैंने मामला उठाया था। मुझे याद है पहला वो था मेरा, तो शंकर दयाल सिंह उस वक्त MP थे बिहार के जी। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि पहली बार जो मेंबर बोल रहे हैं ऐसा लगता था बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, मैंने आशीर्वाद देता हूँ जी। उन्होंने आशीर्वाद ही पहले दिन से दिया, आशीर्वाद फला भी जी, बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी थे वो जी। उसके बाद जो है जी, तो लगातार मैं 94 से 98 में दूसरी बार चुना गया 2004 तक के लिए, 2004 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे जी। तो नेताजी ने इस्तीफा दे दिया था संभल से, संभल सीट खाली थी, तो वहाँ से मैं चुनाव लड़ा जी। वहाँ DP यादव हमारे खिलाफ़ लड़ रहे थे, अशोक यादव लड़ रहे थे जी। BJP के भी एक उम्मीदवार लड़ रहे थे जी। तो BJP के उम्मीदवार का तो जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन DP यादव हमें वेद प्रताप, स्वर्गीय वेद प्रताप वैदिक जी ने टेलीफोन किया कि रामगोपाल तुम कहाँ फंस गए,
इतने बड़े धुरंधर हैं और दिल्ली में ये प्रचार है कि तुम चुनाव जीत ही नहीं सकते। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए, आप मेरे शुभचिंतक हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने कहा DP यादव को मैं 2 लाख वोट से हराऊंगा, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आप रिजल्ट आया तो देख लेना। तो DP यादव को तो मैंने 2,20,000 वोट से हराया। नंबर 2 पर BSP की उम्मीदवार रही, एक संभल की चेयरमैन थी मैडम जी, वे 1,97,000 से पीछे रही, तो मैं वहाँ से जीता जी। वो 9 तक का था कार्यकाल जी। उस दौरान हमारे 37 MP थे लोकसभा जी। मैं नेता था और मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था। लेकिन 2008 में नेताजी ने कहा कि तुम्हें राज्यसभा में फिर भेज रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम बाकी था, एक साल से कम टाइम बाकी हो तो उपचुनाव नहीं होता है लोकसभा, सही बात है जी। तो मुझे राज्यसभा में फिर भेज दिया जी। तब से लगातार आज तक राज्यसभा में हूँ। तो बहुत लंबा अरसा हो गया है, जब मेरे 25 साल हो गए थे तो नरेश अग्रवाल ने अशोक होटल में एक सारे लीडर्स को बुलाया था जी। 25 साल पूरे होने को हमारे, लोगों को दावत दी थी जी, जी। तो कहे जब प्रधानमंत्री बैठे हैं पार्लियामेंट हाउस में यहाँ अपने कमरे में, उनसे मिलने जाके हम तुम मिलो, तुम कर रहे हो भाई आप के दस्तखत से इन्विटेशन जा रहा है तो आप मिलिए कि नहीं, आप चले चलो जी। तो जब कागज उन्होंने इन्विटेशन कार्ड दिया नरेश ने, तो हमसे मोदी जी ने कहा कि राम गोपाल तुम लगातार बिना किसी गैप के MP हो 25 साल से, तो तुम बहुत सीनियर हो। मैंने कहा नहीं साहब, आप बहुत लंबे अनुभव आपका है, चीफ मिनिस्टर इतने दिनों रहे, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपसे थोड़ी कोई तुलना की जा सकती है। कि नहीं नहीं बहुत सीनियर हो, मैं ज़रूर आऊँगा। खैर आए भी, आए हमारे बच्चों ना ग्रैंड डॉटर्स ग्रैंड सन उनके साथ खेलते, लोग कहेंगे मैंने पहली बार प्रधानमंत्री को मुस्काते हुए लीडर्स का, सब लीडर थे, शरद पवार साहब थे, मुरली मनोहर जोशी से लेके वेंकैया नायडू, अंसारी साहब, एवरी वन वाज देयर, यस सर, सारे ग्रुप। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री आज बहुत प्रसन्न थे, मगर बच्चों के साथ जो खेलेगा वो प्रसन्न नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, इसलिए आज वो बच्चों के साथ उन्हें हमारे आरव को हम गोदी में ले लिया, तो कभी इधर करें कहीं इधर करें। आरव ने उन्हें एक फूल दिया था बाबा, गुलाब का जी। हमने कहा बच्चे सब पहचानते पॉलिटिकल लोग कौन है, मोदी बाबा हैं ये कहते हैं। तो उन्होंने खेलते रहे इससे जी। गुड़िया से पूछा क्यों ये तुम्हें मारता है, गुड़िया ने कहा तब उसको और परेशान किया जी। ये चलता रहा। खैर उसके बाद में 2015 से लेकर 22 तक लगातार 7 साल हेल्थ कमेटी का चेयरमैन रहा जी। इस बीच में मैं संसद की जो राज्यसभा की एथिक्स कमेटी है जी, जी। 2 साल उसका भी चेयरमैन रहा। बिल्कुल सर। तो एज चेयरमैन जी, चाहे वो एग्रीकल्चर कमेटी का रहा हूँ जी, चाहे हेल्थ कमेटी का रहा हूँ, मैं अपने कार्य से, अपनी कमेटी के कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल इस दौरान आए। आपको याद होगा, शायद नहीं याद होगा क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, उस वक्त लोकसभा में जी, एक बिल शरद पवार साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, सीड्स बिल आया था, सीड्स बिल जी, जी। वो इतना खतरनाक था कि जिस रूप में अगर उसको पास कर दिया जाए जी, तो बहुत किसानों के लिए दिक्कत हो जाती है जी। तो हमारी कमेटी जब उस पर विचार कर रही थी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जी। उन्होंने कहा राम गोपाल प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस बिल पर जल्दी रिपोर्ट आ जाए। मैंने कहा मैं सारे हिंदुस्तान के किसान संगठनों और महत्वपूर्ण किसानों और पॉलिटिकल पार्टीज को पूछे बगैर कोई रिपोर्ट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस बिल पे अगर मैंने रिपोर्ट दे दी इस तरह की, तो आने वाले उसमें समय में किसान लोग कहेंगे कि किसान का बेटा इस कमेटी का अध्यक्ष था, उनका गला काटने के लिए बिल बना दिया। मैं कभी ये नहीं कर सकता हूँ। फिर मनमोहन सिंह ने जी ने उनसे कहा कि भाई दबाव मत डालिए, जब वो रिपोर्ट देना चाहें दें। तो मैंने सारे एक्सपर्ट्स से, सारे किसान संगठनों से करके एक तरीके से जो रिपोर्ट दी उसमें बिल को रिराइट कर दिया जी। सारे लोग बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद आज तक वो बिल नहीं लाए सदन में जी, बिल अभी आज तक जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल प्रो फार्मर था जी। और पहले वाला बिल जो था मोनसेंटो और कारगिल जैसी बड़ी कंपनियों के पक्ष में था जी। बिल्कुल सर, लगातार आप हेल्थ कमेटी के चेयरपर्सन रहे, हमने भी कई प्रोग्राम्स किए संसद TV पर आपकी रिपोर्ट्स पर। लेकिन सर, एज अ जर्नलिस्ट एक सवाल मुझे बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है। आपने कहा कि आप चुनावी राजनीति से पहले दूर रहे,
लगातार जिस तरह का रिजल्ट रहा, ऐसा क्यों? चुनावी राजनीति से आपको परहेज क्यों था? नहीं, वो हमारा, मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स के लिए आई एम नॉट ए कट आउट इवन टुडे। सर, दिस यू आर सेइंग आफ्टर ऑलमोस्ट 30 इयर्स और 3 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स। यस व्हाई सर? ये जो स्वभाव आदमी का होता है, आपने देखा होगा कि मैं पार्लियामेंट में बात कहता हूँ तो जो हमारी अंतरात्मा बात करती है। ये नहीं कि पार्टी कहे तो 100% उसी अनुसार, अगर मैं किसी बिंदु पर पार्टी की बात से सहमत नहीं हूँ तो मैं उस पर साइलेंट तो हो सकता हूँ लेकिन वोकल नहीं हो सकता, अलाउ नहीं करेगी मेरी कॉन्शियंस। तो और इसीलिए मैं कभी कट वचन नहीं बोलता हूँ जी, कभी नाराज होके बात नहीं करता हूँ पार्लियामेंट में। संसदीय शासन प्रणाली के जो मान्यताएं और मर्यादाएं हैं उनका मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया है। सिर्फ एक बार को छोड़कर पार्लियामेंट के बैल में 32 साल के अपने कार्यकाल में कभी नहीं गया, सिर्फ एक बार को छोड़। क्या था सर वो वाक्या जिस वजह से आप वेल में जाने के लिए मजबूर हुए और कब की बात है? वो कांग्रेस सरकार में नेताजी के खिलाफ एक जानबूझ के सीबीआई की जांच करवाने का कांग्रेस के लोगों ने काम किया था और कांग्रेस का आदमी था, कांग्रेस ने उसे राज्यसभा का टिकट भी दिया था, हार गया था। वो ब्लैकमेल करना चाहता था, उसकी अब है नहीं कांग्रेस के बड़े नेता, उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी। अच्छा। उन्होंने जी। और एक और जो विदेश मंत्री रहे उन्होंने कहा कि ये करिए और करवाया, जो अब हमारी पार्टी के जरिए निर्दलीय एमपी होके आ गए हैं उनके जरिए बनाया गया था। ये सब इन लोगों ने किया था, तब हमने ये मामला उठाया था कि पॉलिटिकल लोगों को हैरेस करने के लिए सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा था और मैं अंदर चला गया था। बहुत लंबा राजनीतिक आपका दौर रहा, सबसे बड़ा मुद्दा आपने जनता के लिए, आपको क्या लगता है कि सदन में कौन सा उठाया सबसे बड़ी बात, अगर मैं पूछूं आपसे? किसानों की जी, हमेशा चाहे किसानों की फसल बारिश से, ओले से, सूखा से ख़त्म हुई हो, तो ऐसा कोई वक्त नहीं गया जब हमने वो उठाया ना हो। किसान की फसल की लूट हो जाती है, सही वक्त पर सही उन्हें कीमत नहीं मिलती है जब वो बेचने का टाइम उनका होता है, ये मामले भी उठाए। बिल्कुल सर, काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई, दिलचस्प किस्से भी हमें सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आप। तो बस इस एपिसोड में इतना ही, आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।